राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आ गई हूँ, जो आप लोगों की बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी इस चीज को देख पाए। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि अभी सहालक का टाइम चल रहा है। सहालक के बाद हमारा लग जाएगा खरमास, जिसको हम बोलते हैं मलमास। तो हमारा ये खरमास कब से शुरू होगा, इसका सही डेट क्या है और इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलते हैं देर किस बात की, वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो खरमास होता है उसमें हमारे जो अच्छे और शुभ काम होते हैं उसको करना उत्तम नहीं माना जाता है। इसीलिए ये खरमास जो होता है हमारा 1 महीने के लिए लगता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य जो होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं करे जाते। इस अवधि में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जाने अब हम आपको बताएंगे कि ये खरमास कब से शुरू है, इसका सही डेट क्या है। खरमास का महीना जो होता है वो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें 2 बार लगता है। दिसंबर महीने में सूर्य गोचर में के साथ जब खरमास लगता है, तो दिसंबर में कब से शुरू होगा, इसके दौरान क्या करना चाहिए क्या। तो फ्रेंड, हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास जो है हमारा 15 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। 15 दिसंबर को रात 10:19 पर सूर्य जो हमारे हैं वो वृषक राशि में निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी और हमारे जितने भी शुभ कार्य होंगे वो उसी टाइम से बंद हो जाएंगे। खरमास 1 महीने तक रहेंगे। खरमास के समय में शुभ और मांगलिक कार्यों का करना अशुभ माना जाता है और उसी दिन से ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि खरमास जो है वो हमारा कब खत्म होगा। तो फ्रेंड, सूर्य जो है हमारा वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब खरमास का समापन हो जाता है। नए साल यानी 2024 को सूर्य 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में गोचर में रहेंगे। ऐसे में 14 जनवरी 2025 को खरमास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप सारे शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं और जितने भी जो आपको कार्य, शादी विवाह सहालक जो कुछ भी होता है वो जनवरी से स्टार्ट। अब हम आपको बताने वाले हैं कि खरमास के दौरान क्या करें और क्या ना करें। इस चीज को ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है और खरमास चलता रहता है और वो सारे कार्य कर लेते हैं जिसका उनके जीवन पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि खरमास 1 महीने तक रहता है और 1 महीने में आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे आपके जीवन पे गलत प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, नंबर एक हमारा क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के महीने में मांगलिक कार्य तो जो हमारा होता है ये सबसे नंबर वन पे है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान शादी विवाह गृह प्रवेश अन्य जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं खरमास में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अब नंबर दो जो है हमारा, खरमास में मुंडन है, सगाई है और भी जो कार्य हैं वो भी वर्जित हैं। नंबर तीन जो हमारा है, खरमास के महीने में हमें तामसिक भोजन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर चार जो है, मान्यता है कि खरमास के दौरान बहू या बेटी की विदाई करना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि खरवास अगर लग जाता है तो उस टाइम बहू और बेटियों की बिल्कुल भी विदाई नहीं करनी चाहिए। नंबर पांच जो है हमारा, खरमास के समय भगवान विष्णु व भगवान शंकर की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर छह है, इस दौरान गरीबों को दान करना चाहिए और अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। नंबर सात जो है, मानसिक शांति के लिए भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो खरवास होते हैं ये बहुत ही काम आने वाले। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि खरवास में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो खास बात है कि खरवास के महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खरवास में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। खरवास के दौरान, पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो जहां तक हो सके आप पूजा पाठ में ही ध्यान करिए और कोई भी शुभ कार्य
बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों है ये आपको। थी कुछ हमारी जानकारी जो आपको वीडियो में सुनने को मिली है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली दोस्तों का ख्याल रखना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। सभी को बाय बाय, राम राम।